मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल. कैसे हैं आप सब? और आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और घर पे इंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ. सो मैं ना बच्चों के लिए एक स्नैक बनाने वाली हूँ. बच्चों को बहुत पसंद है. और आजकल क्या छुट्टी है, घर पे सब है और ज़्यादा से ज़्यादा भूख लग जाती है. छोटी छोटी भूख है ना, बार बार लगती है. तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा वीडियो बनाया जाए. सो देखिए, सबसे पहले मैं जो है प्रेस्टीज ये जो एयर फ्राई है, मैं इसको ना 4 मिनट प्री हीट करूँ. सो अभी मैंने इसको प्री हीट कर लिया है 4 मिनट्स और काफी गर्म है. और मैं आलू टिक्की डाल रही हूँ इसमें और ये बहुत टेस्टी है. मैक कॉर्न का है आलू टिक्की और छोटी छोटी भूख के लिए बहुत ही अच्छा है और बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है. सो देखिए ये मैंने डाल दिया है और सबसे अच्छी बात है ऑयल फ्री है, बिल्कुल कम ऑयल यूज होता है इसमें, इस्तेमाल होता है, नहीं के बराबर, बिल्कुल नहीं के बराबर. और कुकिंग भी जल्दी हो जाती है. सो ऑयल मैंने थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर दिया है ऐसे, जस्ट टच. और इसको मैं डालूंगी 10 मिनट्स में. 10 मिनट्स में ये बिल्कुल पक जाएगा. ये डाला मैंने. मिनट्स में डाल दिया मैंने दोस्तों. सो फ्रेंड्स अभी 12 मिनट्स हो गया है और देखिए वाओ, अभी मैं इसका एक आपको झटपट पैटी सैंडविच बना के, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और खाने में जल्दी जल्दी बन जाता है. एयर फ्राई में तो कमाल, ऑयल नहीं लगता है, बिल्कुल ऑयल फ्री है. और आप घर पे ट्राई कर सकते हैं अच्छे से. बच्चों का तो खास तौर से बहुत ही नज़दीक है. इसमें आप ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं. मेरे पास है ग्रीन चटनी मगर मैं अभी नहीं लगा रही हूँ. और इसमें मैंने थोड़ा सा मक्खन लगाया है और मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा टमेटो सॉस. टमेटो सॉस थोड़ा सा और मायोनीज है मेरे पास. सो मायोनीज भी थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा मायोनीज. ये थोड़ा सा मायोनीज डाला, हल्का सा, ये हल्का सा. आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप खाली टमेटो सॉस यूज कर सकते हैं या खाली शेजवान सॉस यूज कर सकते हैं या खाली मायोनीज यूज कर सकते हैं. ओहो वाओ, वेरी हॉट, नाइस. इसमें ब्लैक पेपर भी बहुत अच्छा लगता है. थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल लीजिए. अभी मैं नहीं डाल रही हूँ बट आप यूज कर सकते हैं ब्लैक पेपर. आप बगन मक्खन का भी यूज़ कर सकते हैं. बगन मक्खन का कोई कोई मक्खन की कोई कोई खाते नहीं है तो मैंने थोड़ा सा मक्खन यूज़ किया है. सो ये पैटी मैंने डाल दिया है और ये बन गया है हमारा एक पैटी सैंडविच. इसके साथ मैं गरम गरम कॉफ़ी. सो दोस्तों कैसा लगा झटपट छोटा छोटा स्नैक्स? सो आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा. और शेयर माय वीडियो. और हमेशा मैं बोलती हूँ कि शिवाला जितना आप लोगों से प्यार करती है, शिवालों को आप कई ज़्यादा प्यार देते हैं. तो आने वाले टाइम पे इससे भी बेहतरीन एक वीडियो लेके आ रही हूँ. तब तक देखते रहिए शिवाला को, शिवाला आर्ट्स में. थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस, बाय, हैव ए नाइस डे.